Hello everyone, welcome back to GK today. This is Nuzhat Sana और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 16th of October के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स. ये कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं और इन्हीं के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे. जैसे कि हम देखेंगे कि वेन्यू क्या रहा आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के लिए, फिर हम देखेंगे नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 2024 में किसको दिया गया है, और कल हमने बात करी थी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया. एक बार में हम क्यों नहीं पढ़ ले रहे हैं कि हर कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ के विनर इस साल कौन है, क्योंकि फिर याद करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो कल हमने फिजिक्स केमिस्ट्री देखा था, आज हम लिटरेचर देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किसको दिया गया. युवा संगम पोर्टल के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स देखेंगे. वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे देखेंगे कब ऑब्जर्व की जाती है. कटकारी ट्राइब के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें देखेंगे किस वजह से ट्राइब न्यूज़ में आ गई है. सिमिलरली कल हमने थरुआ ट्राइब की बात की थी. रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन चेकआउट करेंगे. ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे देखेंगे कौन रिलीज करता है. टेली मानिस इनिशिएटिव और साउथ एशियन डेवलपमेंट अपडेट. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. वेयर वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड? सेना कमांडरों के सम्मेलन 2024 का पहला चरण कहाँ पर आयोजित किया गया? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, गैंगटक. फर्स्ट फेज जो है सेकेंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का 2024 में ये कंडक्ट हुआ है हाइब्रिड मोड के अंदर, कहाँ पे? गैंगटक सिक्किम में. ठीक है, ये दो दिन की कॉन्फ्रेंस थी जो कि सर्व करती है एज अ फोरम सभी सीनियर कमांडर्स के लिए, जहाँ पे वो रिव्यू करते हैं ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को, स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते हैं, साथ ही फ्यूचर डायरेक्टिव्स यहाँ पे आउटलाइन किए जाते हैं. ठीक है, तो सेकेंड फेज इस कॉन्फ्रेंस का दिल्ली में होगा कब से कब तक? 28th से लेकर 29th ऑफ अक्टूबर तक. ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस साल के लिए आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू डिसाइड हुआ है गैंगटक इन द स्टेट ऑफ सिक्किम. ओके, अगले स्लाइड में आइए हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन. द मिड ईयर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑल्सो नोन एज द 60th मीटिंग ऑफ द सब्सिडरी बॉडीज रिसेंटली ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री? ये कॉन्फ्रेंस हाल ही में ऑर्गेनाइज की गई थी जर्मनी में. वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज एनुअली ऑर्गेनाइज बाय विच इंस्टीट्यूट? इस समिट को ऑर्गेनाइज करता है एनुअली टेरी स्टैंड्स फॉर द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट. रिसेंटली वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सप्लोरिंग द लाइफ एंड लिविंग लेगेसी ऑफ गुरु पद्मसंभव हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी नालंदा बिहार में. रिसेंटली वेयर वॉज द 19th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट हेल्ड? ये सेशन हुआ था न्यूयॉर्क में. विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप्ड अ सस्टेनेबल हाइड्रोजेल टू रिमूव द माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम वाटर? ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है IISc बेंगलुरु ने, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने. वेयर वॉज द 63rd एडिशन ऑफ सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड मीटिंग हेल्ड? इसकी बोर्ड मीटिंग हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में. रिसेंटली वेयर वॉज द केवेंगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया समिट हेल्ड? ये समिट हुई थी जाम्बिया में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं. Who has been awarded the Nobel Prize in Literature 2024? साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? The correct answer is Han Kang. ठीक है, ये साउथ कोरिया की ऑथर हैं और इन्होंने जीत लिया है इस साल का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. इसी के साथ ये फर्स्ट कोरियन हैं टू रिसीव दिस ऑनर. ठीक है, ये जानी जाती हैं अपने इंटेंस पोइटिक प्रोज के लिए, जिसमें कि ये हिस्टोरिकल ट्रॉमास को एड्रेस करती हैं, और इनके नोटेबल वर्क्स हैं फॉर एग्जांपल द वेजिटेरियन. और याद रखिएगा वेजिटेरियन जो इनकी किताब है, ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज विनर भी है इन 2016. इसके अलावा कुछ और वर्क्स हैं इनके, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स एंड ग्रीक लेसन. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है कि लिटरेचर के सेक्टर में नोबेल प्राइज इस साल किसको दिया गया. आंसर है हैन कैंग. और इसी के साथ आपको कमेंट्स बताना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज इस साल किसको दिया गया है. कल सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे. ओके, अगली स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन. द फर्स्ट वन हियर इज, रिसेंटली हु वॉज डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ द प्रिट्जकर प्राइज 2024? प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2024 के लिए विनर डिक्लेयर हुए थे रिकेन यामामोतो. कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि प्रिट्जकर प्राइज किस सेक्टर में दिया जाता है, तो आंसर इज आर्किटेक्चर. ठीक है, रिसेंटली हु रिसीव द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024? ये अवार्ड दिया गया कृष्णा प्रकाश को. हरपाल सिंह बेदी हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग टू विच फील्ड? हाल ही में इनका निधन हो गया और ये एक जर्नलिस्ट थे. फारूक नस्की हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? ये पोएट थे. रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द बॉब जोन्स अवार्ड 2024? द यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन हाइएस्ट ऑनर. तो ये यूएस गोल्फ एसोसिएशन का हाइएस्ट ऑनर है. इस साल ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया टाइगर वुड्स को.
Which organization recently awarded Captain Abhilash Rawat and his crew of oil tanker Marlin Luanda for exceptional bravery in the Red Sea mission? Ye organization tha IMO, International Maritime Organization. Recently, who was awarded the prestigious Devi Shankar Awasthi Award 2023? Ye award present kiya gaya Nishant ko, theek hai? Question number 3 here is, which ministry launched Yuva Sangam portal? Kis mantralay ne Yuva Sangam portal ko launch kiya? The correct answer is B option, Ministry of Education. ठीक है, Ministry of Education ने launch किया है registration portal 5th phase of Yuva Sangam के लिए under एक भारत श्रेष्ठ भारत program. ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें युवा संगम की, तो इसका purpose क्या था? Connections को strengthen करना between the youth from different states and the union territories. Okay, तो participants जो कि 18 to 30 years of age group में आते हैं, वो यहाँ पे इस portal पे register करवा सकते हैं खुद को, और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है 21st of October. ठीक है, तो ड्यूरिंग द युवा संगम टूर्स पार्टिसिपेंट एक्सपोजर रिसीव करेंगे टोटल 5 एरियाज में. फर्स्ट है यहाँ पे पर्यटन, जिसको आप टूरिज्म कहते हैं. सेकंड है परंपरा मींस ट्रेडिशन. थर्ड इज प्रगति मींस प्रोग्रेस. एंड फोर्थ इज परस्पर संपर्क मींस इंटरकनेक्शन. एंड द फिफ्थ वन इज प्रौद्योगिकी मींस टेक्नोलॉजी फॉर ओवर 5 to 7 डेज. ठीक है, तो ये 5 एरियाज हैं जिनको कि एक्सप्लोर किया जाएगा. ओके, तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया था? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. राइट, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करें तो कौन से इंडिया के लीडर हैं जिन्होंने इस इनिशिएटिव को रन कराया था? दिस इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. कब लॉन्च किया था? तो 2015 में. पर्पस क्या था? कल्चरल यूनिटी को प्रमोट करना अमंग द डिफरेंट स्टेट्स. इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर करने की कोशिश की जाती है एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. फाइन, और प्राइमरी यहाँ पे अगर फोकस पूछा जाए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्राइमरी फोकस क्या है, तो कल्चरल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन. ओके, अगली स्लाइड में चलिए हम देखते हैं कुछ नेशनल करंट अफेयर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन ऑन डिजिटलाइजेशन ऑफ एनिमल वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट. तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने ये MOU साइन किया अलॉन्ग विद UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑन द डिजिटलाइजेशन ऑफ एनिमल वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट. कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज कंसर्न्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन विच रीजन ऑफ इंडिया. सो दे आर concerned for Western Ghats. Recently, which state government has added Pittu to the sports calendar for the academic year 2024-25? This is Madhya Pradesh. Recently, where was the country's 500th community radio station inaugurated? Country ka 500 number ka community radio station haal hi mein inaugurate hua hai Mizoram ke Aizawl mein. Which state government recently announced free higher education policy for EWS, SCBC, OBC girls? तो ये अनाउंसमेंट की है महाराष्ट्र की सरकार ने. यहाँ पे फ्री हायर एजुकेशन पॉलिसी है गर्ल्स के लिए जो कि इन कैटेगरीज को बिलोंग करती हैं. आनंद मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू मैरिज रिचुअल्स ऑफ विच कम्युनिटी इन इंडिया? दिस इज सिख. चाइनीज पॉन्ड हेरॉन बर्ड टिपिकली फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वॉज रिसेंटली साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच इंडियन स्टेट? यूजली ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिखती है, लेकिन हाल ही में ये हमें मिली है उत्तराखंड से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज, What is the theme of World Migratory Bird Day 2024? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है? सबसे पहले World Migratory Bird Day एक ग्लोबल कैंपेन है जिससे कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फॉस्टर या प्रमोट किया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स. राइट, और 2024 में हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन 11th ऑफ मे एज वेल एज ऑन 12th ऑफ अक्टूबर. दो बार इसको मनाया जाता है. ठीक है, इससे जो बर्ड के माइग्रेशन हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे इन डिफरेंट हेमिस्फीयर्स. इस साल की हमने थीम रखी है प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स. ओके, ये थीम एम्फेसाइज करती है कि क्या इंपॉर्टेंस है माइग्रेटरी बर्ड्स की एंड किस तरह से ज़रूरत है इनको बचाने की, इनको प्रोटेक्ट या कंजर्व करने की. राइट, तो इस दिन हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अबाउट द रोल जो इंसेक्ट्स प्ले करते हैं इन सपोर्टिंग द बर्ड सर्वाइवल, और साथ ही यहाँ पे क्या एक्शन है जो अर्जेंट बेसिस पे लेने चाहिए इनके प्रोटेक्शन के लिए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं. ठीक है, तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024 की थीम रखी गई प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स. फाइन, अगली स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन. द फर्स्ट वन हियर इज, द टर्म उल्लास इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? उल्लास एक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है एंड यहाँ पे उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी. ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. वेयर वॉज द सेमिनार ऑन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट साइड 2024 ऑर्गेनाइज? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ढाका में.
विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे एवरी ईयर. दिस इज 5th of March. वॉट इज द थीम फॉर स्टैटिस्टिक्स डे 2024? आंसर इज यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग. और अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैटिस्टिक्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो 29th of June को हर साल हम स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं. विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल टाइगर डे एवरी ईयर? दिस डे इज 29th of July. विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे एवरी ईयर? आंसर इज 21st of June. एंड वॉट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024? थीम है टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरी वन. ओके, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? 11 जुलाई को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. कातकरी ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट्स? कातकरी जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, महाराष्ट्र एंड गुजरात. न्यूज में क्यों आए हैं? क्योंकि 550 से भी ज्यादा कातकरी ट्राइब मेंबर्स ने हाल ही में कास्ट सर्टिफिकेट्स रिसीव कर लिए हैं पुणे सिटी में. कातकरी ट्राइब महाराष्ट्र में ज्यादातर पाई जाती है और साथ ही गुजरात के भी कुछ हिस्सों में हमें ये दिखते हैं. ओके, और महाराष्ट्र में अगर हम पर्टिकुलर एरियाज की बात करें तो पुणे, रायगढ़ और थाने में मिलेंगे, और इसके अलावा गुजरात में भी ये मिलते हैं. इनको क्लासिफाई किया गया है एज वन ऑफ द इंडियाज 75 पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. फाइन, तो हिस्टोरिकली ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे और ये जाने जाते हैं कथा मेकिंग के लिए फ्रॉम द एकेशिया ट्रीज, और ये कटकारी लैंग्वेज का यूज करते हैं अमंग देमसेल्स. इसके अलावा दूसरों से ये मराठी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करके बातचीत कर सकते हैं. इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको हिंदी आती है. तो इनका ऑक्यूपेशन क्या है? जैसे कि एग्रीकल्चरल लेबर होते हैं, फायरवुड सेलिंग करते हैं, फिशिंग से इनका काफी ताल्लुक है, कोल मेकिंग करते हैं और ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के सेगमेंट में काम करते हैं. ज्यादातर कातकरी फैमिलीज टोटली लैंडलेस हैं और इसकी वजह से हाई माइग्रेशन और सीजनल लाइवलीहुड्स इनको फेस करना पड़ता है. ठीक है, तो कातकरी ट्राइब कौन से प्रोमिनेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं? तो आंसर है महाराष्ट्र एंड गुजरात. ओके, अगली स्लाइड में आइए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस. द्वारका, जोशीमठ, पुरी एंड श्री नेगरी आर द मोनास्टिक सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड बाय विच एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर? ये सारे के सारे मोनास्टिक सेंटर्स एस्टैब्लिश किए हैं आदि शंकराचार्य ने. वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बींग कंस्ट्रक्टेड? दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है बिहार में. कलामकारी आर्ट फॉर्म इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन विच इंडियन स्टेट? कलामकारी आर्ट फॉर्म मिलेगी आंध्र प्रदेश से. वॉट इज सार्कोफैगस रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये एक डेकोरेटेड कॉफिन या कंटेनर का नाम होता है. हस्तसाल मीनार विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये दिल्ली में है. हम्पी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? आंसर इज तुंगभद्रा रिवर. सगा दवा अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इसको हाल ही में मनाया गया है सिक्किम में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हियर इज, रतपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? रतपानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश. ठीक है, रतपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है. और न्यूज में क्यों आई है ये सेंचुरी? क्योंकि ये बनने वाली है मध्य प्रदेश की 8th नंबर की टाइगर रिजर्व, इसी वजह से बहुत ज्यादा चर्चे में है. और ये कवर करती है एक एरिया लगभग 3500 स्क्वायर किलोमीटर्स का इन अक्रॉस रायसेन, सीहोर एंड भोपाल डिस्ट्रिक्ट, और 1500 स्क्वायर किलोमीटर इसका कोर टाइगर एरिया है और 2000 स्क्वायर किलोमीटर इसका बफर जोन है. ये सेंचुरी जो है इसमें लगभग 40 टाइगर्स रहते हैं, 12 और टाइगर्स फ्रिक्वेंटली मूव करते रहते हैं बाय एंड देन. इसके अलावा ये टूरिज्म को बूस्ट करेगा, लोकल इकोनॉमी को बढ़ाएगा और गवर्नमेंट फंडिंग भी इससे इंक्रीज हो जाएगी. इस सेंचुरी में आपको डिफरेंट तरह के वाइल्ड लाइफ चीज़ें दिखेंगी, इंक्लूडिंग ओवर 150 बर्ड स्पेशीज. ठीक है, तो रतपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन क्या है? आंसर इज सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश. ओके, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के करंट अफेयर्स देख लेते हैं. द फर्स्ट वन इज, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में. सेकेंड है, मिलानो कैलिम्स द्रौपदी बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशीज? ये सी स्लग की स्पेशीज है. रिसेंटली द ग्लोबल सोसाइटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बाओबाब्स एंड मैनग्रोव्स हैज इनिशिएटेड अ मिशन टू रिजुवेनेट द बाओबाब ट्रीज इन विच कंट्री? आंसर इज मदागास्कर. संगेतसर लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लेक है अरुणाचल प्रदेश में. सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये पार्क है राजस्थान में. अनमलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये तमिलनाडु में है. वट इज द प्राइमरी हैबिटेट ऑफ गोल्डन बैक्ड फ्रॉग रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसका प्राइमरी हैबिटेट क्या है? एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज,
Which organization recently released All India Rural Financial Inclusion Survey for 2021-2022? हाल ही में किस संगठन ने 2021-22 के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण जारी किया है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन नाबार्ड. ठीक है, नाबार्ड ने अपना सेकेंड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22 के लिए रिलीज कर दिया है, जिसमें इन्होंने सर्वे किया है लगभग 100,000 रूरल हाउसहोल्ड्स को इन अक्रॉस इंडिया पोस्ट कोविड. ठीक है, इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एवरेज मंथली इनकम हाउसहोल्ड्स की इंक्रीज हुई है बाय 57.6%. मतलब पहले ये वैल्यू थी 8059 2016-17 में और अब ये बढ़ के हो गई है 12698 इन 2021-2022. ठीक है, और एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स भी अर्न कर रहे हैं लगभग 13,661 रुपीज़, जबकि नॉन एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स की इनकम है 11,438 रुपीज़. सैलरीड एम्प्लॉयमेंट लार्जेस्ट इनकम सोर्स है सभी घरों के लिए, यानी कि इसका जो कवरेज है वो 37% है. और एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स की बात करें तो कल्टीवेशन 1/3 ऑफ इनकम को कवर करता है, जबकि गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्विसेज कंट्रीब्यूट करते हैं 1/4 ऑफ सेगमेंट को. नॉन एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स रिलाई करते हैं प्राइमरली ऑन द गवर्नमेंट प्राइवेट सर्विसेज और वेज लेबर इसके अलावा है 26%. ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट के अंदर की चीजें हैं ये सिर्फ आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प करेंगी अगर आप कहीं पे मेंस का एग्जाम देंगे. यहाँ पे अगर वन डे एग्जाम है तो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे को कौन सी बॉडी रिलीज करती है. दिस इज नाबार्ड. ओके, नाबार्ड के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. कब इसको एस्टैब्लिश किया गया? 1982 में. और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई इंडिया में. ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए कुछ बिजनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स देख लेते हैं. रिसेंटली टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड हैज लॉन्च्ड घर घर सोलर इनिशिएटिव इन विच इंडियन स्टेट. इसको लॉन्च किया गया यूपी में. Recently, which state was ranked as the best performer in the Indian startup ecosystem ranking for 2022? Best performer घोषित है किया गया है तमिलनाडु को. Recently, which bank launched Flash Pay for contactless payment? This is Federal Bank. Canara Bank recently signed a memorandum of understanding with which institution for providing financial support to the startups? Canara Bank ने हाल ही में IIT Bombay के साथ ये MOU sign किया है for providing the financial support to the startup. Recently, which ministry organized the Wave Summit recently seen in the news? हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने वेव समिट को ऑर्गेनाइज किया था? वेव्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट. यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉर्मुलेटेड अ नेशनल एग्रीकल्चर कोड? नेशनल एग्रीकल्चर कोड को फॉर्मुलेट किया है BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. गेवरा माइन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? गेवरा माइन है छत्तीसगढ़ स्टेट में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हियर इज टेलीमानस इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? टेलीमानस पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन मेंटल हेल्थ. आई एम श्योर आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं. तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को और इसी के साथ इन्होंने सेलिब्रेट किए हैं 2 ईयर्स ऑफ टेलीमानस को. इस साल के लिए थीम रखी गई थी इट इज टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस. ठीक है, टेलीमानस का पर्पज क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करना टू अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ केयर थ्रू 24/7 टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन अक्रॉस इंडिया. ठीक है, तो टेलीमानस इनिशिएटिव किस क्षेत्र से रिलेटेड है? आंसर है मेंटल हेल्थ. राइट, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबली? आंसर है 10th of October. ओके, अगली स्लाइड में चलिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ न्यूज देख लेते हैं. वॉट इज ग्लायोब्लास्टोमा रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ग्लायोब्लास्टोमा क्या चीज है? ये एक तरह का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कैंसर होता है. वॉट इज एंथ्रेस रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये एक रेड सुपर जॉइंट स्टार है. विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनवील्ड द कार्बन रिडक्शन इनिशिएटिव ऑफ SFO टेक्नोलॉजीज? आंसर इज इसरो. त्रिष्णा मिशन इज अ कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन विच टू कंट्रीज? त्रिष्णा मिशन प्रोजेक्ट है इन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. रिसेंटली विच कंट्रीज फूड एजेंसी हैज ऑर्डर्ड अ रिकॉल ऑफ इंडिया स्पाइस प्रोडक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एथिलीन ऑक्साइड? पिछले दिनों बहुत ज्यादा ये न्यूज में था और इंडिया के स्पाइस मिक्सचर में से एथिलीन ऑक्साइड निकला था, जिसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने बैन लगा दिया था इंडिया के स्पाइसेस के ऊपर. वन ऑफ द कंट्रीज सिंगापुर. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2024? आंसर इज क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर. रिसेंटली पिग लीवर ट्रांसप्लांटेड इन टू अ लिविंग कैंसर पेशेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच कंट्री? ये कारनामा किया है चाइना ने. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द साउथ एशियन डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट? किस संगठन ने दक्षिण एशियाई विकास अद्यतन रिपोर्ट जारी करी है? दिस इज वर्ल्ड बैंक.
वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है साउथ एशियन डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट को, जहां पे इन्होंने ये दर्शाया है कि आउटपुट ग्रोथ जो साउथ एशिया में हो रहा है उसने कहीं ना कहीं एक्सीड किया है अदर इमर्जिंग मार्केट रीजन्स को। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से साउथ एशिया बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहा है टू द एक्सट्रीम हीट, फ्लड्स एंड अदर वेदर रिलेटेड शॉक्स, जहां पे जो स्मॉलर फर्म्स हैं इंडिया की वो काफी वल्नरेबल होती जा रही हैं। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इस रीजन में बहुत लो रहा है @32%, जिससे कि हाईलाइट होता है इनका पोटेंशियल फॉर इनकम ग्रोथ थ्रू जेंडर इक्विटी। इस रिपोर्ट में फर्दर मेंशन किया गया है मैरिज पेनल्टी के रिगार्डिंग कुछ चीजें, जहां पे बात नोट की गई कि मैरिज की वजह से जो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है। भूटान की इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 25 और इंडिया के लिए ये वैल्यू है 7%। ठीक है, और किस वजह से है, तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन, टूरिज्म एंड हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट। तो सिंपली फिर से मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के अंदर जो बातें हैं वो नहीं पूछी जाएंगी आपसे, सिर्फ ये याद रखिएगा कि साउथ एशियन डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। ओके, अगली स्लाइड में एक बार फिर से आइए हम कुछ रिपोर्ट्स पे नजर डाल लेते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया की रैंक थी 93। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024, ये रिपोर्ट दी थी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द अपडेटेड इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट वॉलंट्री गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटेजिक एक्शन, ये जो रिपोर्ट है ये दी है यूनाइटेड नेशंस की बॉडी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द नेविगेटिंग न्यू होराइजन अ ग्लोबल फोरसाइट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट दी थी यूनेप ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर्स है नैरोबी केन्या में। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द 2024 ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जेंडर रिपोर्ट टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स इन फ्रांस, ये रिपोर्ट दी थी यूनेस्को ने। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड प्राइसेस 2024 रिसेंटली सीडेड द न्यूज इज प्रोड्यूस्ड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज फूड सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क। पेटेंटिंग ट्रेंड्स इन इंडिया रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इस रिपोर्ट को दिया था नास्कॉम ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च द स्टडी इन इंडिया कैंपेन इन विच सिटी ऑफ UAE, भारत ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में स्टडी इन इंडिया अभियान को शुरू किया है, दिस इज शारजा सिटी। इंडिया ने लॉन्च किया स्टडी इन इंडिया कैंपेन को एट द 20th इंटरनेशनल एजुकेशन शो इन शारजा, जहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है इंडिया की यूनिवर्सिटीज के अंदर। इसको ऑर्गेनाइज किया है EDCIL ने, और पर्पस क्या है इस कैंपेन का, टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल एजुकेशन हब, जहां पे हम शोकेस कर रहे हैं लगभग अपनी 590 यूनिवर्सिटीज को, जिसमें कि डाइवर्स कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं और इससे स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाएंगी ताकि उन्हें बेनिफिट हो सके। सेंट्रलाइज्ड स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो है वो एडमिशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है और स्टूडेंट्स को हेल्प करता है ताकि वो एक्सप्लोर कर सकें ज्यादा प्रोग्राम्स को, साथ ही अप्लाई और मैनेज कर सकें वीजास को इन वन प्लेस। ठीक है, तो इंडिया के जो हायर एजुकेशन सेक्टर है वो सेकेंड लार्जेस्ट है ग्लोबली, विद इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs एंड IIMs गेनिंग रिकॉग्निशन। इस प्रोग्राम के थ्रू लगभग 69,000 स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-2025 और 4,000 इंडिया में ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया ने लॉन्च किया है स्टडी इन इंडिया कैंपेन को इन द शारजा सिटी ऑफ UAE। फाइन, अगली स्लाइड में आइए हम इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली अब्दुल मजीद तेबोन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं अल्जीरिया के लिए। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च इट्स बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नेम्ड एज जिहाद, जिहाद मिसाइल है ईरान की। विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इन न्यू बैंक नोट्स, दिस इज द कंट्री जापान। एरल सी स्टैंड्स एट द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज, एरल सी लाई करती है इन बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। रिसेंटली विच कंट्री डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट सेटेलाइट सीरीज, जिसका नाम है तियानतोंग 1, इसको डेवलप किया है चाइना ने। पोर्ट ऑफ कैटेगना इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ये पोर्ट लाई करता है स्पेन में। रिसेंटली द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड मैत्री उद्यान एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप इन विच कंट्री, इसको इनॉग्रेट किया गया है एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप इन द कंट्री मॉरिशस। ओके, तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन हमने आज के कवर कर लिए और इसके अलावा जो रिविजन में हम साथ साथ क्वेश्चन हर स्लाइड के बाद करते हैं वो भी हमारे हो गए। इसी के साथ लगभग हमने 80 से 82 क्वेश्चन आराम से कवर कर लिए हैं। तो चलिए फिर लास्ट में आपको कुछ होमवर्क देना चाहूंगी, और आज का जो होमवर्क है वो स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे 7 क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस हम प्रीवियसली पढ़ा चुके हैं, पहले भी इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं,
यहाँ पे जरूरत है आपको थोड़ा सा सोचने की, और इससे ये भी पता चलेगा कि आप कितना मेंटली प्रेजेंट रहते हैं सेशन में, आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी आते हैं इसमें से आप उनका जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और सेशन को कंक्लूड करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका पीडीएफ फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। ओके, तो कल फिर मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू हत्सना साइनिंग ऑफ।